Hi everyone, I am Priyanka and welcome back to my YouTube channel. I am very excited for bike ride. हम जा रहे हैं मुंबई से महाबलेश्वर बाइक से और दिस इज माई फर्स्ट राइड और मुंबई से आपको महाबलेश्वर जाने में लगभग 5 से 6 घंटा लग जाएगा. डिपेंड करता है कि आपको कितना ट्रैफिक मिलता है, आप सैटरडे संडे कब जा रहे हैं. वीकडेज में जाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा और वीकेंड पे जाएंगे तो शायद आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है. तो पहले आपको मुंबई से पनवेल आना पड़ेगा, देन पनवेल से खपोली वाला रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद खंडाला एंड देन लोनावला, उसके बाद पुणे वाला जो रोड है वो बाईपास लेके आप जाएंगे सतारा और देन फिर महाबलेश्वर. तो फिलहाल हम अभी आ गए हैं पुणे, हम पुणे जस्ट पहुँचे ही हैं. तो इस तरह का रूट है पुणे का. जो पुणे से जो रूट लगता है वो काफ़ी अच्छा रोड है, आप इजीली पहुंच जाएंगे और जो बीच का रास्ता है वो भी बहुत अच्छा है. तो अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हमने अभी तक ब्रेक नहीं लिया है. थोड़ा सा टी टाइम ब्रेक लेते हैं. तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने यहाँ पे छाछ लिया, एकदम मस्त था ये. उसके बाद हम फिर निकल गए. तो बीच में ये टनल आती है जो पुणे में पड़ती है जब आप पुणे क्रॉस करते हैं, और इसके बाद ये जो रोड है वो बहुत ही सही रोड होता है. और आप कोशिश करें कि आप महाबलेश्वर पहुंचते पहुंचते आपको सनसेट मिले, या आप दिन में ही पहुंच जाए, नहीं तो रात हो जाएगी और फिर रूट का इतना मज़ा नहीं आएगा. और फिर हमने सेकंड ब्रेक लिया और सेकंड ब्रेक हमने लिया थोड़ा सा स्ट्रीट साइड वड़ा पाव और चाय का. हम पुणे क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ से अब हम घाट चढ़ेंगे, तो उससे पहले हमने ये ब्रेक लिया. तो मस्त यहाँ पे जो है गार्लिक चटनी और उसके साथ ये गर्मा गर्म वड़ा पाव था, और इसके बाद हमने पी गर्मा गर्म चाय. तो स्ट्रीट साइड वड़ा पाव और चाय पीने का अपना ही मज़ा है. वड़ा पाव जनरली महाराष्ट्र में ना स्ट्रीट साइड पे ही बहुत अच्छा मिलता है. जो ऑथेंटिक वड़ा पाव होता है ना, उसका जो टेस्ट है वो रोड साइड पे जो वड़ा पाव बेचते हैं, तो गर्मा गर्म जब वड़ा पाव निकालते हैं और उसका कुछ अलग ही टेस्ट होता है. शॉप में जाके वड़ा पाव खाओ तो इतना टेस्टी नहीं लगता है, पर इस तरह से आप रोड साइड खाओगे ना तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा. तो यहाँ पे हमने वड़ा पाव इन्जॉय किया, देन चाय पी, थोड़ा सा ठीक लगा, फ्रेश लगा. उसके बाद हम फिर से निकल गए और यहाँ पर हल्की सी शाम होने लगी है, सनसेट होने लगा है. और इस रास्ते के बाद घाट है, तो हमको फटाफट से चढ़ना था क्योंकि महाबलेश्वर जाते जाते नहीं तो नाइट हो जाएगी. तो जैसा हमने सोचा था कि हम पंचगनी पहुंचते पहुंचते सनसेट एंजॉय करेंगे. ये शाम का जो मौसम होता है ना सनसेट वाला, ये बहुत ही शानदार लगता है. तो जैसे ही हम पंचगनी और वो घाट वाला रोड पहुंचे तो इस तरह का मौसम था और हम पंचगनी पहुंच गए हैं. तो फटाफट से हम पहुंचे, हमें पहुंचने में लगभग 6:30 बज गया था. बहुत थक गए थे. तो जैसे ही हमने होटल लिया उसके बाद हमने चाय पी और भूख लग रही थी तो पनीर चिली हमने ऑर्डर किया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. दिखने में ही लग रहा होगा ये बिल्कुल भी चिली पनीर जैसा तो लग ही नहीं रहा है. फिर भी बहुत भूख लग रही, थोड़ा सा टेस्ट किया बट ये वेस्ट ही गया क्योंकि इतना अच्छा नहीं था ये. उसके बाद हमने सिंपल सा खाना ऑर्डर किया, तो यह है दाल तड़का, और इसके बाद एक पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर की थी और सिंपल राइस एंड देन चपाती. महाबलेश्वर तो हम टाइम से पहुंच गए थे बट हमने डिनर बहुत लेट किया क्योंकि हमारे साथ एक पोपट हो गया था. होटल ने हमें कहा था कि वो हमारा जो डिनर है वो हमें देंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा लेट ऑर्डर किया था बट उन्होंने फिर बाद में मना कर दिया. फिर हमने जोमेटो से ऑर्डर किया, बट जहाँ पे हमने होटल लिया था वहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था. तो 2 फ़ोन से हमने ऑर्डर प्लेस किया और तुक्का लग जाए कि किसी का भी अगर डिनर ऑर्डर हो जाएगा तो हम वो मंगा लेंगे, बट हो ही नहीं रहता बहुत टाइम तक. फिर हुआ ऐसे करके हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी. तो अब हम डिनर एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं महाबलेश्वर के चैप्टर 2 में, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे महाबलेश्वर की बहुत सारी अमेजिंग प्लेसेस. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. स्टे सेफ, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.